हम अलीगढ़ से पद यात्रा चालू करेंगे, जिसमें हमारा इधर से इटावा, फिरोजाबाद, कानपुर, बुलंदशहर, इधर के लोग हम अलीगढ़ जुड़ेंगे, और फिर इधर से हम गवाना है, खुर्जा है, बुलंदशहर है, मेरठ है, हापुड़ है, गुलाबटी है, और दिल्ली की ओर कूच करेंगे। खुले मंच से बताना चाहता हूँ कि उन्होंने हमारे खिलाफ भारत बंद करा, और अगर हम भारत बंद करने पर आए उनके खिलाफ तो सिट्टी पिट्टी गुम हो जाएगी। सिर्फ इन्हें बराबरी हम नहीं चाहिए, इन्हें चाहिए सिर्फ अपना। ये चाहते हैं कि सिर्फ हम आगे बढ़े, सिर्फ हम आगे बढ़े, सिर्फ हम आगे बढ़े। हम कोलियों को छोड़ रहे हैं, फटिकों को छोड़ रहे हैं, पासियों को छोड़ रहे हैं, जब तक हम सबको नहीं छोड़ लेंगे हम चैन से नहीं बैठेंगे, और हम भारत छोड़ का वर्गीकरण करा के रहेंगे। टाटा समाज संविधान बचा रहा है? संविधान नहीं बचा रहा, वो संविधान नहीं बचा रहा, वो संविधान से खिलवाड़ कर रहा है। जब संविधान में सारी जातियों का अधिकार बराबर है तो हमको क्यों नहीं मिलना? हमें तो मिला गया है, हमें तो कुछ नहीं मिला। अब जब मिलने को आ रहा है तो ये रोड़ा बनने, लेकिन जो इसमें रोड़ा बनेगा हम भी पीछे नहीं हटेंगे। वाल्मीकि वंश से हम भी पीछे हटेंगे नहीं। दोस्तों नमस्कार, मैं विकास, आप देख रहे हैं जस्ट टीवी इंडिया, और इस समय मैं अलीगढ़ में मौजूद हूँ। बड़े क्रांतिकारी नेता मेरे साथ मौजूद हैं, प्रदीप भंडारी जी, जो लगातार आरक्षण में वर्गीकरण की मुहिम को पूरे देश में चला रहे हैं, और अलीगढ़ के आसपास के जितने भी जिले हैं तमाम जिले आज अलीगढ़ में आए हुए हैं। प्रदीप भंडारी जी क्या कहेंगे? भंडारी जी बड़ी लड़ाई है, कैसे लड़ेंगे? देखिए ये लड़ाई बड़ी लड़ाई है वाकई, और इसको हम शुरुआत करने जा रहे हैं आज अलीगढ़ में। हमने कार्यक्रम रखा है और इस लड़ाई को बड़ी तैयारी के साथ आज जो कई जिलों के लोग यहाँ, कम से कम 40-50 जिलों के प्रदेश से हमने लोग बुलाए हैं, जो आज संयुक्त तो महापंचायत के में वाल्मीकि समाज बैठा, वाल्मीकि समाज बुलाया गया है, उसमें ये सुझाव और रणनीति तय की जा रही है कि अगला नेक्स्ट कार्यक्रम अब जो भी हो वो आर पार का हो। जो भी हमारे कमेटी तय करेगी, अब वो कमेटी अभी बनी जा रही है, तैयारी की जा रही है, और जो भी निर्णय हो उसमें तय किया जाएगा कि इसको अब आर पार की लड़ाई लड़ी जाए। जो भी तो काफी स्ट्रॉन्ग है, लगातार बोल रहा है संविधान खत्म हो जाएगा, तमाम चीजें हैं। देखिए वो हम लोगों को वर्गलाने का काम कर रहे हैं, संविधान खत्म। एक बार बताइए, सबसे ज्यादा दलित तो हम लोग हैं, हमसे वंचित चेहरा कौन है? वही हम इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। जाटवों ने सबसे ज्यादा इसमें मलाई खाई है, आज उनको पेट में दर्द हो रहा है, परेशानियां हो रही है उनको। वही हम लोग भी हैं, वाल्मीकि समाज से भी हैं, धानों के पास ही हैं, ढेला है, डुमार है, खटी के धो भी हैं, ये लोग भी, इनको भी हक मिलना चाहिए ना। वाल्मीकि समाज है, हमको हक मिलना चाहिए ना। हमारा आज जो मिल रहा है उस चीज़ को रोका जा रहा है, लेकिन इस लड़ाई को बहुत मजबूती के साथ हम लड़ने के लिए जा रहे हैं। अलीगढ़ से आज घोषणा भी करेंगे हम कि इसको हम, आप लगातार कह रहे थे कि हम अलीगढ़ से पैदल मार्च लेकर जाएंगे जंतर मंतर। बिल्कुल बिल्कुल तैयारी है, यही इसी कारण से सारे लोग बुलाए गए हैं। हम अलीगढ़ से पद यात्रा चालू करेंगे, जिसमें हमारा इधर से इटावा, फिरोजाबाद, कानपुर, बुलंदशहर, इधर के लोग हम अलीगढ़ जुड़ेंगे, और फिर इधर से हम गवाना है, खुर्जा है, बुलंदशहर है, मेरठ है, हापुड़ है, गुलाबटी है, और दिल्ली की ओर कूच करेंगे। क्या लग रहा है उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, क्या वो आरक्षण में वर्गीकरण लागू करेंगे? नहीं, बिल्कुल करना चाहिए, इसके लिए हम आंदोलन कर तो रहे। करना चाहिए या करेंगे? करेंगे, बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? अगर नहीं करेंगे तो सड़कों पर उतरेंगे हम। इसके लिए अब चाहे इसके लिए चाहे हम अब कुछ भी करना पड़े, हम अपना अधिकार लेकर आएंगे। लोग कहते हैं वाल्मीकि समाज संगठित नहीं हो पाता है, वाल्मीकि समाज अब संगठित हो रहा है। लोग अभी ये भी कहते हैं कि ये अनपढ़ लोग हैं, झाड़ू वाले लोग हैं, ये नाली वाले लोग हैं। आपने भी देखा, एक बच्चे ने भी इंग्लिश में पूरा इंग्लिश में किस तरह, ये लोग भी, हम लोग भी पढ़ाई की शिक्षा की ओर तैयारी कर रहे हैं, संगठित हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उनका प्रदेश नेतृत्व सही नहीं मिल पा रहा, उन्हें नेतृत्वकर्ता सही नहीं मिल पा रहा, और उसके लिए आज हमने ये बैठक बुलाई। तो क्या रहेगा अभी दिल्ली में तमाम चीजें हो रही हैं आरक्षण में वर्गीकरण को लेकर, विरोधी भी लगातार जो है आंदोलन कर रहे हैं। अभी चंद्रशेखर की रैली हुई है, चंद्रशेखर ने कहा है कि मैं जितना भी समाज है मैं उसके हक की, हक और अधिकार की लड़ाई लड़ूंगा। देखिए वो केवल और केवल सिर्फ अपने समाज के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, वो हमारे समाज के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे हो, वो केवल अपने समाज की बात रख रहे हैं, जाटव समाज की बात रख रहे हैं। जबकि वाल्मीकि समाज ने जिस जगह से सांसद वो चुने गए हैं वहाँ 11 लाख रुपए उनको दिया गया था, लेकिन वो अपने कौम की बात कह रहे हैं, हमारे कौम की बात नहीं कह रहे वो धानुक की बात नहीं कह रहे, वो केवल और केवल जाटव की कह रहे, वाल्मीकि की बात नहीं कह रहे, वो पासी की नहीं कह रहे, हेला डोल डुमार की नहीं कह रहे, वो किसी की बात है, वो केवल अपने समाज की बात कह रहे हैं। लेकिन वो तो कह रहे हैं ना कि अगर अगर ये रिजर्वेशन का ये मामला पूरा जो है कहीं ना कहीं जो समाज को बांटने की साजिश चल रही है, ये साजिश यही लोग रच रहे हैं, कहीं बांटने की कोई साजिश, हमें अब तक मिला क्या है? हमें अब तक मिला क्या है? हमें तो कुछ नहीं मिला। अब जब मिलने को आ रहा है तो ये रोड़ा बनने, लेकिन जो इसमें रोड़ा बनेगा हम भी पीछे नहीं हटेंगे, वाल्मीकि वंश से हम भी पीछे हटेंगे नहीं। वो कह रहे हैं बीजेपी आरएसएस की साजिश बता रहे हैं, ये आरोप प्रत्यारोप तो लगाते रहते हैं, ये ऐसा कुछ नहीं कह रहे कि जाति की जनगणना होनी चाहिए फिर रिजर्वेशन लागू होना चाहिए, कोई जाति की जनगणना सब मामले में ये खाली गुमराह करने का काम कर रहे हैं। बाकी हमारे यहाँ अध्यक्ष जी बताइए जी,
तो बड़ी लड़ाई है, कैसे कैसे इसको लेकर कुछ और लोग भेजी बड़ी लड़ाई कुछ और लोग भेजी। मैं बबलू कोमल, सफाई कर्मचारी संघ का पूर्व अध्यक्ष। आज से 23 साल पहले हमने एक आरक्षण मोर्चा बनाया था, वाल्मीकि पृथक आरक्षण मोर्चा, जिसमें हमने पूरे प्रदेश में आंदोलन किए थे और उसमें दिल्ली के शाह ऑडिटोरियम में हमने एक सम्मेलन किया था, जिसमें आडवाणी जी, लालकृष्ण आडवाणी जी, सुषमा स्वराज जी, शत्रुघ्न सिन्हा जी और उत्तर प्रदेश के उस वक्त के मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह जी आए थे। उन्होंने वायदा किया था कि अगर हमारी सरकार आई 2003 की, हमने आंदोलन 2003 से शुरू कर दिया था, 2006 में हमने उन्हें बुलाया था, तो उन्होंने कहा था अगर हमारी सरकार आई तो हम इसको आरक्षण को वाल्मीकियों को अलग कर देंगे। लेकिन शिकोहाबाद के एक विधायक ने इस पर रेड डाल दी, वो हमारा खारिज हो गया, वो आंदोलन आज तक चलता आ रहा है। अब रही बात जाटव समाज की और वाल्मीकि समाज की, आज जो इस आंदोलन में कमी आ रही है वो ये आ रही है कि जाटव समाज तो विरोध कर रहा है और वाल्मीकि समाज इसका समर्थन कर रहा है। जाटव समाज संविधान बचा रहा है? संविधान नहीं बचा रहा, वो संविधान नहीं बचा रहा, वो संविधान से खिलवाड़ कर रहा है। जब संविधान में सारी जातियों का अधिकार बराबर है तो हमको क्यों नहीं मिल रहा? अब एक जाति पढ़ते नहीं है, हम पढ़ते हैं, पढ़ने लिखने वाले लोग हैं और हमें मौका मिला तो हम इनसे ज्यादा पढ़ेंगे। अगर हमारा जोशीला खून है, अगर हमें मौका मिला तो इनसे ज्यादा आगे बढ़ेंगे हम। अब संगठित होने की बात ये केवल 3 जातियों में है उत्तर प्रदेश में, जिनको पूरे भारत में जाटव और दोहरे और चमार से नाम से जाना जाता है। हम 22 जातियों में बटे हुए हैं। वाल्मीकि उत्तर प्रदेश में 59 जातियां है, हमारी 59 जाति नहीं, हम 22 जातियों में बटे हुए हैं। वाल्मीकि, एला, धानुक, हमारी संख्या भी बहुत है लेकिन ये 3 जातियों के नाम से जाने जाते हैं, जाटव, चमार, दोहरे। तो हमारी संख्या भी इससे ज्यादा, पढ़ लिखकर हम भी आगे बढ़ रहे हैं और अन्य जातियां जो हमसे जुड़ी हुई है, वाल्मीकि जो सफाई कर्मचारी वर्ग है वो हमारा वर्ग है। क्या तमाम और जातियां आ रही हैं? बिल्कुल, हम जोड़ रहे हैं, हम कोलियों को जोड़ रहे हैं, भटिकों को जोड़ रहे हैं, पासियों को जोड़ रहे हैं। जब तक हम सबको नहीं जोड़ लेंगे हम चैन से नहीं बैठेंगे और हम आरक्षण का वर्गीकरण करा के रहेंगे। क्या लग रहा है यूपी के जो मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ जी, वो आरक्षण में वर्गीकरण लागू करेंगे उत्तर प्रदेश में? योगी इसको पूरा पूरा समर्थन करेंगे और ये भाजपा की पहले भी इच्छा थी कि इस दबे कुचले समाज को दम दिया जाए, दम दिया जाए। और आज भाजपा ने ये काम, भाजपा ने छोड़ कोर्ट ने ये काम करा है, कोर्ट के द्वारा ये काम हुआ है। लेकिन आज जो सारे जितनी भी सुविधा थी, जितनी भी आरक्षण का जितना भी लाभ था, मात्र एक समाज को था और एक ही समाज इस पूरे आरक्षण का लाभ उठा रहा था, हर तरह से इसको लाभ मिल रहा था। आज उसने क्या करा, ये 64 जातियां आती है, इतनी जाति होने के बाद में सिर्फ एक ही जाति इसका वो उठाई थी। आज कोर्ट ने, किसी सरकार ने नहीं करा, कोर्ट ने करा। ये कोर्ट ने करने के बाद में भी आज ये लोग उसी पे आरोप कर रहे हैं और इसको विभाजन में कर रहे हैं, ठीक है ना। आज जो हमारा हक अधिकार हमें मिलने आ रहा है, आज उसमें रोड़ा बनने चाहिए, सिर्फ इन्हें बराबरी पर हम नहीं चाहिए, इन्हें चाहिए सिर्फ अपना। ये चाहते हैं कि सिर्फ हम आगे बढ़े, सिर्फ हम आगे बढ़े, सिर्फ हम आगे बढ़े। ये हमारे विरोध में है, ये टोटल विरोध में है, देश के विरोध में है। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान लिखा था वो दबे कुचले लोगों के लिए, उन्होंने कहा था कि भाई एक निश्चित अनुपात में आरक्षण होना, ठीक है ना, और दबे कुछ लोग। लेकिन इन लोगों ने क्या करा, मात्र अपने आप को आगे रखा, ठीक है। मेरा नाम राजकुमार संतरसी है और बरेली उत्तर प्रदेश से हूँ मैं। मेरा कहना ये कि जब आरक्षण की व्यवस्था संविधान में 1950 में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की थी, तो फिर आखिर एक ही जाति को उसका लाभ क्यों दिया जा रहा है? आरक्षण में सभी जातियां शामिल हैं तो आरक्षण की व्यवस्था का लाभ जो है वो सभी लोगों को मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमारे लोग काबिल नहीं है वाल्मीकि समाज के। आरक्षण के असली हकदार तो हम ही लोग हैं और वो इसलिए हैं क्योंकि सबसे ज्यादा छुआछूत तो वाल्मीकि समाज को के साथ होती है और छुआछूत के कारण जो था हम लोगों को भंगी कहा जाता था, तो इसकी वजह से हम गालियां तो आप दोनों समाज को बराबर मिलती हैं। गालियां तो इसलिए मिलती हैं हमें क्योंकि हमारे समाज को सवर्ण समाज के लोग आज भी गिरी हुई दृष्टि से देखते हैं, हमें उन्होंने मैले कूड़े में लाद दिया है बिल्कुल पूरी तरीके से। इसलिए ये आरक्षण का असली हकदार तो हम ही है क्योंकि हमने मैला कूड़ा को उठाने का काम किया तो हमारा उद्धार कहाँ हुआ, क्योंकि शोषित तो सबसे ज्यादा तो वाल्मीकि समाज है जिनने सफाई का काम किया, मैला कूड़ा उठाने का काम किया, तो आरक्षण का लाभ भी हमें मिलना चाहिए क्योंकि छुआछूत के कारण और अस्पष्ट पैसे का काम करने के कारण हमारे समाज को जो था उसका लाभ नहीं मिल पाया। तो आज समय मिला तो उसका लाभ जो है ऐसी जातियां उठा रही हैं जिनको आरक्षण की जरूरत ही नहीं है, वो आरक्षण का जरूरत से ज्यादा लाभ ले चुके हैं।
तो उनको आरक्षण अब नहीं देना चाहिए। जो आरक्षण का एक बार लाभ उठा चुका है, एक बार अगर IAS अफसर बन जाता है तो उसकी 7 पीढ़ियां सही हो जाती है। तो आप आरक्षण का जो लोग लाभ उठा चुके हैं, जिनके घर में IAS IPS PCS बन चुके हैं, तो मेरी मांग है कि इनका आरक्षण बंद होना चाहिए। और बाकी वंचित जाति है, खासतौर से वाल्मीकि समाज को इसलिए देना चाहिए क्योंकि सबसे ज्यादा छुआछूत का शिकार हम लोग हैं, तो इसके असली हकदार हम ही लोग हैं। ये कुछ युवा साथी भी हैं, उनसे बात करते जी, क्या कहेंगे? जैसा कि मेरा नाम सचिन वाल्मीकि है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं चंद्रशेखर आजाद का बहुत फैन था उनके काम से, लेकिन जब से वो वाल्मीकि समाज के खिलाफ खड़े हुए और उन्होंने भारत बंद करने का ऐलान कर दिया, तो मैं भी इस खुले मंच से बताना चाहता हूँ कि उन्होंने हमारे खिलाफ भारत बंद करा, और अगर हम भारत बंद करने पर आए उनके खिलाफ तो सिट्टी पिट्टी गुम हो जाएगी। अगर उनको लगता था कि कोई बात है तो उनको बैठ के बात करनी चाहिए थी वाल्मीकि समाज से। इस तरीके से वाल्मीकि समाज के खिलाफ खड़े होकर भारत बंद करने का ऐलान नहीं करना। अब तो कह रहे हैं वो अब साथ होने से क्या फायदा, पहले आप मेरा चांटा मार दिए फिर मुझसे सॉरी बोलिए तो ये अच्छा लगेगा? तो इसलिए मैं उनका बहुत फैन था, लेकिन अब मैं उनका फैन नहीं हूँ, अब मैं उनके अगेंस्ट खड़ा हुआ हूँ।